मेरे पापा को और मेरी माता को परेशान किया जा रहा था कि आप इस मामले की पैरवी ना करें वरना आपके लिए अच्छा नहीं होगा। इसको आप अपना मामला समझें, कल को आपके साथ कुछ दुखद घटना होती है तो आपको भी ये पता होगा कि मीडिया ने और सोशल जगत ने क्या क्रांति करके दिखाई है। और अगर मेरे को न्याय मिल सकता है तो सभी को न्याय मिलेगा। कुछ एक दिनों बाद मेरे माता पिता की ऐसे निर्मम हत्या होती है तो अभी भी हमारे ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। सोशल मीडिया एक ऐसी पावर है जो वाकई में बदलाव ला सकती है और इसकी एक छोटी सी शुरुआत होते हुए मैंने देखी है। अगर हम निर्दोष हैं तो हम क्यों इस चीज से डरेंगे, हमें न्याय कब मिलेगा। पर मेरे को ये सत्य की और समाज की लड़ाई में मैं इस टाइम उतरा हूँ कि मेरे माँ बाप को इंसाफ चाहिए। पर जब से मैंने सोशल मीडिया पे अपने आप को व्यक्त किया है, सोशल मीडिया ने बढ़ चढ़ कर इसको मेरे साथ दिया है। आपका एक छोटा सा प्रयास मेरे को इंसाफ दिला सकता है, मेरे पापा निर्मम हत्या करने वाले उस कातिल को पकड़वा सकता है। मेरी आप सबसे गुजारिश है इसको अधिक से अधिक फैलाएं। कैथल शहर के पौस इलाके में मर्डर कर दिया जाता है, आरती का और उसकी पत्नी का मर्डर कर दिया जाता है, बड़ी घटना है। लेकिन काफ़ी समय बीत जाने के बाद भी अगर कातिल ना पकड़े जाए तो ये बड़ी बात है। लेकिन आपको बता दें, साथ ही कल भी जब SP से इनके परिजन मिले तो सीधे तौर पर कहा जा रहा था कि जब हमने तमाम आइडेंटिफिकेशन कर दी है तो कातिलों तक पुलिस क्यों नहीं पहुंच बना पाई है। इसी बात को लेकर के आज जो है पुनीत ने, जो कि मृतक का बेटा है, उन्होंने ट्वीट के माध्यम से मदद मांगी है, इंसाफ की गुहार लगाई है हरियाणा के गृह मंत्री से, DGP से, CM से और PMO से। तो इसी बात को लेकर हम बातचीत कर लेते हैं। जी पुनीत, आपने आज ट्वीट के माध्यम से इस इंसाफ की लड़ाई में गुहार लगाई है, किन किन लोगों को आपने ट्वीट किया है? सर देखो, मैं जब कल अपने, सबसे पहले मेरे को अपना ये था कि मैं अपने कैथल प्रशासन की तरफ से पहले अपनी इंसाफ की मांग करूं। कैथल प्रशासन, SP साहब जब, और लोकल जो भी एडमिनिस्ट्रेटर थे, जब उनकी तरफ से मुझे कोई मदद नहीं मिली तब मुझे हार के सोशल मीडिया का सहारा लेना पड़ा। और सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर मैंने CMO हरियाणा अनिल विज साहब और जितने भी मतलब IG करनाल और DGP, मैंने इन सभी के नाम से, अमित शाह और PMO ऑफिस को भी मैंने इंक्लूड करते हुए, सभी को मैंने ट्वीट किया है कि मेरे माता पिता की 24 सितंबर को बड़ी बेरहमी से निर्मम हत्या कर दी गई है और उनकी तरफ पुलिस का इतना ढीला रवैया है और ऊपर से मतलब मैंने अपना परिवार खो दिया है, ऊपर से मेरे ऊपर ही पुलिस प्रशासन द्वारा FIR में छेड़खाड़ करवाई जा रही है और नाम हटवाने की धमकियाँ दी जा रही है और दबाव बनवाया जा रहा है, सोशल दबाव बनवाया जा रहा है। तो फिर मैंने ट्वीट किया है, मैंने ट्वीट भी लगभग, मेरे को मैं 24 घंटे से ऊपर समय हो चुका है मैं ट्वीट कर जा रहा हूँ और ये ट्वीट हज़ारों में रिट्वीट हो चुका है। समस्त जितने भी मेरे जितने भी मित्रगण हैं, जितने मेरे परिवार के सदस्य हैं और जितने भी दूर दूर लिंक हैं, सभी ने इन ट्वीटों को रिट्वीट किया है और शेयर किया है, अधिक से अधिक शेयर किया है। और अभी ये जस्ट एक शुरुआत है, इसको लाखों की संख्या में कब पहुंचा दिया जाएगा और कब इसका सामाजिक रूप लिया जाएगा, इस समय मेरी यही सबसे बड़ी पहल है कि इसको एक सामाजिक क्रांति बनाई जाए। तो इस समस्या में जब मैंने इसके रिगार्डिंग, जब मैंने CMO ऑफिस, मेरे पास CMO ऑफिस एक मैसेज आता है सिर्फ, वो भी एक जो जनरल मैसेज होता है कि आप अपनी कंप्लेंट मुझे दें और हम आपसे संपर्क करेंगे। इस पर कंप्लेंट किए हुए मैंने, इस पर रिप्लाई किए हुए कम से कम 8 घंटे हो चुके हैं और सेम मैंने IGP करनाल को भी मैंने मेल डाली है, उनको भी रिप्लाई, उन्होंने बोला कि आप इस पर अपने ईमेल डालें, मैंने उनको भी ईमेल डाल दी है, परंतु अभी तक उनकी तरफ से कोई भी रिप्लाई नहीं आया मेरे को कि आपकी इसके ऊपर ये एक्शन लिया जाएगा। हमें अनिल विज को, अनिल विज सर को मैंने बहुत बार अभी ट्वीट कर चुका हूँ, मेरे को बहुत उम्मीदें हैं कि अनिल विज के ऑफिस से कोई ना कोई रिप्लाई आएगी और अनिल विज जी से मेरे को बहुत उम्मीदें हैं कि वो कुछ ना कुछ संदर्भ में एक्शन लेंगे, क्योंकि उनकी छवि प्रदेश में एक बहुत ही एकदम एक ऐसे नेता के रूप में जाने जाते जो बहुत ही ईमानदार हैं और जो कि इंसाफ करने में बहुत ज़्यादा अग्रणी में है। अब जब समाज जैसे जैसे विश्वास उठता जा रहा है तो एक आखिरी कड़ी वो बचे हैं, अगर वो इसमें मेरा साथ देते हैं तो मेरे को जो कि उम्मीद है, तो मैं निरंतर उनको ट्वीट के माध्यम से उनसे गुजारिश करूंगा और मेरे को उम्मीद है शायद वो रिप्लाई करें। अभी तक हालांकि मेरे को किसी भी तरह से कोई भी सॉलिड रिप्लाई नहीं आई है। अगर बात करें पुनीत, आपकी जो ये लड़ाई है एक सामाजिक लड़ाई है और एक मैं कह सकता हूँ कि जो एक निर्मम हत्या हुई है, एक बड़ा घिनौना कांड ये कह सकता हूँ, लेकिन अगर बात करें इसमें एक नाम जो मुख्य आरोपी है और 4 नाम आपकी ओर से और बताए जा रहे हैं, और पहले आपने कहा भी था हमारे जो है प्लेटफॉर्म के माध्यम से, मीडिया पर भी आपने बताया कि 4 लोग और हैं और आपने कहा था कि 2 नामों को हटा दिया गया, फिर आपने उनको दोबारा लिखवाया, वो 4 लोग कौन हैं और उनका क्या कुछ रोल है इसमें? सर देखिए, अभी के लिए अगर मैं सोचूं, मेरा परिवार एक इतना साधारण और इतना सामान्य परिवार है कि इनका कभी किसी के साथ कोई कहा सुनी तक भी नहीं थी। अभी गत कुछ समय से मेरे मामा जी के खिलाफ कुछ एक दूसरी पार्टी है
उन्होंने एक झूठा मुकदमा दर्ज करवाया हुआ है, तो जिसके लिए मेरे अभी मेरे नाना नानी जी वो भी स्वर्गवासी हो चुके हैं। तो मेरी जो माता पिता थे वो अभी मेरे मामा के माता पिता के समान थे, और वो जी इस मामले में मामले की पैरवी कर रहे थे। तो इस पैरवी की जैसे इसी अभी अंतर्गत इस समय में सिर्फ वही एक मामला था जिसके लिए अभी हमारा परिवार एक्टिव था। अब उस पैरवी के लिए जब मेरे माता पिता आगे चल रहे थे तो विपक्ष पार्टी की तरफ से उस मामले में बार बार मेरे पापा को और मेरी माता को परेशान किया जा रहा था कि आप इस मामले की पैरवी ना करें वरना आपके लिए अच्छा नहीं होगा। तो अगर उससे और उसके कुछ एक क्षणों बाद या कुछ एक दिनों बाद मेरे माता पिता की ऐसे निर्मम हत्या होती है तो संभवतः मेरा सबसे पहला शक उन्हीं पे जाएगा। और मैंने बयान दिया अपने पुलिस को कि मेरा जो सबसे पहला शक है वो उसी विपक्ष पार्टी के चार लोगों पे है और पांचवा ये राजेश है। हालांकि राजेश सबसे मुख्य आरोपी माना जा रहा है, परंतु फिर भी क्योंकि उस राजेश के साथ जब दूर दूर तक पिछले 7 सालों से हमारे कोई संबंध नहीं है, वो अचानक से हमला क्यों करेगा? इसलिए संभवतः हमें लगता है कि इन दोनों की कड़ियाँ कहीं ना कहीं जुड़ी हैं। हमने इसलिए उनका नाम लिखवाया, परंतु हमने जब 5 नाम लिखवाए पुलिस ने भी दबाव बनाया समाज की तरफ से भी और उन्होंने भी दबाव, अभी पुलिस ने उनको गिरफ्तार नहीं किया किसी को भी और वो बाहर घूम रहे हैं स्वतंत्र तरीके से। अभी वो इधर उधर 5 लोगों से मिलकर बात कर रहे हैं कि हमारा नाम FIR से हटवाया जाए, और वो बड़े बड़े लोगों को हमारे पास भेज के हमको बोल रहे हैं कि आप नाम वहाँ से हटवा लें और वरना ठीक नहीं होगा। तो अभी भी हमारे ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। हम दोनों मामलों में हम यही कह रहे हैं कि दोनों मामलों की निष्पक्ष जाँच हो, अगर हम निर्दोष हैं तो हम क्यों इस चीज़ से डरेंगे। इसलिए हमारी यही मांग है पुलिस पांचों के पांचों सदस्य को गिरफ्तार करे और उनसे तफ्तीश करे। पुलिस अगर तफ्तीश करती है, अगर वो निर्दोष पाए जाते हैं तो बेवजह छोड़ दे, हमें उनसे कोई मतलब नहीं है। हम उनको ये नहीं कह रहे कि पुलिस बेवजह उन्हें सजा दे, हम सिर्फ ये चाह रहे हैं पुलिस उन्हें अरेस्ट करे, उनसे क्वेश्चन पूछे, फिर अभी अगर वो निर्दोष पाए जाए तो छोड़े। अभी इसी पे मेरा एक बहुत बड़ा सवाल ये है, राजेश इस टाइम फरार है, पुलिस बोल रही है कल को वो पकड़ा जाएगा, अगर वो कुछ बोलता है तभी हम इनको गिरफ्तार करेंगे। पुलिस राजेश को जिस टाइम गिरफ्तार करने के लिए गई, पुलिस का बयान आता है कि 200 लोग हम गिरफ्तार करने गए, हमारे सामने खेतों से फरार हो गया। वो जो एक ऐसा मुजरिम जिसके लिए पुलिस ढूंढने के लिए गई 200 लोगों को लेके, वो तुरंत फरार हो गया। कल को अगर वो पकड़ा जाता है और वो बोलता है हाँ मेरे इन 5 पार्टियों के जो भी 5 सदस्य हैं दूसरे उनसे संबंध थे, और इसी दौरान वो 5 सदस्य भी भाग जाते हैं फरार हो जाते हैं, तो पुलिस फिर उनको ढूंढने में व्यस्त हो जाएगी, तो हमें न्याय कब मिलेगा? हम तो यही कह रहे हैं ना, पुलिस इसको एक सावधानी बरतते हुए वो दोबारा क्राइम ना करें, तथ्यों के साथ छेड़खानी ना करें, कोई भी विटनेस हो उसको ना डराएं धमकाएं, इसलिए उनको हिरासत में लेके अपने पास रखें। पर मेरे को ये सत्य की और समाज की लड़ाई में मैं इस टाइम उतरा हूँ कि मेरे माँ बाप को इंसाफ चाहिए, जो भी गलत हो रहा है मैं उसके अगेंस्ट बोलूँगा, चाहे वो समाज का छोटा नेता हो चाहे वो बहुत बड़ा गुंडा हो, मैं इस समय असत्य के अगेंस्ट और इस टाइम मैं क्राइम के अगेंस्ट बोलूँगा और मेरे पास इसके अलावा कुछ नहीं है। जी जी, तो काफ़ी समय हो गया, अब पुलिस सिर्फ आश्वासन दे रही है, तो आगे की लड़ाई किस तरह लड़ने का मन बनाया है आपने? क्योंकि एक बड़ी लड़ाई है, जब एक कानून पर हम भरोसा करते हैं और कानून अपना जो है काम तरीके से सही तरीके से ना कर पाए, देरी पे देर होती जाए और मामला जान का है, तो क्या कुछ आगे आप करना चाहेंगे, क्या कुछ रणनीति बनाई है? जी सर, देखिए अभी तक सबसे पहले हम चाहते थे कि हमारे जो SP सर हैं कैथल के लोकेंद्र जी और जो कि कैथल का जो भी प्रशासन है DSP साहब हैं विवेक जी हैं, अभी तक हमें ये था कि हाँ शायद वो कुछ ना कुछ एक्शन लेंगे, और उन्होंने जैसे हमें एक बार दो बार आश्वासन दिए कि हम इन मामले में पक्का कुछ ना कुछ कार्यवाही करेंगे, पर कार्यवाही बहुत ही नहीं दिख रही है, तो हम निश्चित तौर पर इस मामले में चुप तो नहीं बैठेंगे। अभी मैंने इसको एक सोशल मीडिया की तरह से क्रांति बनाने का काम शुरू कर दिया है, और अभी भी मैं कम से कम 1000 लोगों के संपर्क में हूँ, और इस समय मैं सिर्फ ये नहीं है कि मैं सिर्फ अपने लोगों के थ्रू बात कर रहा हूँ, मेरे और भी बहुत सारे जो भी लिंक हैं, मेरे जितने भी किसान भाई हैं जो हमारी अभी भी हमारे साथ खड़े हैं, उनसे भी मेरे बात हुई है, उन्होंने भी हमको पूरा आश्वासन दिया है कि इस मुद्दे पे भ्रष्ट सरकार और भ्रष्ट प्रशासन के खिलाफ वो साथ देने के लिए मेरे कदम से कदम लड़ा के मेरे साथ खड़े हैं, और इस मुद्दे को मैं ऊपर से ऊपर लेके जाऊंगा, 1000 से ज़्यादा के जो लोग मेरे साथ खड़े हैं, जो किसान भाई खड़े हैं, जो मेरा व्यापार मंडल मेरे साथ खड़ा है, अब वो हम जाके कहाँ पे जाके कौन सा सबसे उचित स्थान होगा जहाँ पे हम जाके इसके खिलाफ हम बैठें, और कौन से सबसे सही नेता लोग होंगे जिनसे हम अपनी गुहार लगाएं, तो हम कैथल प्रशासन से ऊपर उठ के हम इसकी कार्यवाही करेंगे। मैं समस्त जनता से विनम्र मेरा निवेदन है, देखिए मैं
खुद इस बात के लिए भुगत भोगी हूँ कि जब तक मैं प्रशासन के सामने खुद गिड़गिड़ा रहा था, एसपी साहब के दफ्तर में मैं खुद अपने बचे हुए परिवार को लेके गया, मुझे कोरे आश्वासन मिले। पर जब से मैंने सोशल मीडिया पे अपने आप को व्यक्त किया है, सोशल मीडिया ने बढ़ चढ़ कर इसको मेरे साथ दिया है और मेरे को सोशल मीडिया से इतना सपोर्ट मिल रहा है कि जिसकी वजह से आज मेरी बातों के चर्चे, मेरे माँ बाप के जो हत्या के चर्चे काफ़ी दूर तक हुए हैं और वो सभी लोग बढ़ चढ़ कर मेरे साथ आते हैं। मैं समस्त जो भी इस न्यूज़ को देख रहा है सभी से एक निवेदन करता हूँ कि इसमें आप मेरे साथ आएँ और सोशल मीडिया एक ऐसी पावर है जो वाकई में बदलाव ला सकती है और इसकी एक छोटी सी शुरुआत होते हुए मैंने देखी है। तो जो भी ये भाई लोग मेरे बहन इनको देख रहे हैं, मेरे सबसे निवेदन है कि आप इस मुहिम से जुड़िए, इस वीडियो को दूर से दूर पहुंचाइए, इस वीडियो को रीट्वीट करिए, शेयर करिए, सीएम साहब को शेयर करिए, अनिल विज को शेयर करिए, खट्टर साहब को शेयर करिए, हमारे मोदी साहब को और जितने भी सामाजिक जो भी बड़े बड़े हमारे IGP साहब हैं सबको शेयर करिए, सबको रीट्वीट करिए। और मेरी मीडिया आज एक ऐसा पावर है जो किसी भी दबाव को हटा सकती है और किसी को भी न्याय दिला सकती है। तो मेरी मीडिया, जैसे आज ये मीडिया मेरे साथ खड़ी है, मैं ऐसे बाकी न्यूज़ चैनलों को ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरी इस मुहिम से जुड़िए और मेरी समस्त कैथल की जनता से मैं आग्रह करता हूँ कि इसको अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएँ, इसको आप अपना मामला समझें। कल को आपके साथ कुछ दुखद घटना होती है तो आपको भी ये पता होगा कि मीडिया ने और सोशल जगत ने क्या क्रांति करके दिखाई है। और अगर मेरे को न्याय मिल सकता है तो सभी को न्याय मिलेगा। कृपया इसको वीडियो को अधिक से अधिक, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में पहुँचाएँ। यह एक ऐसा कार्य है जिसको आप घर बैठे भी कर सकते हैं, बस आपको इस मीडिया को पहुँचाना है, हमारे नेताओं को ट्वीट करना है, उनके साथ शेयर करना है। आपका एक छोटा सा प्रयास मेरे को इंसाफ दिला सकता है, मेरे पापा निर्मम हत्या करने वाले उस कातिल को पकड़वा सकता है। मेरी आप सबसे गुजारिश है, इसको अधिक से अधिक फैलाएं, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। तो जिस तरह से पुनीत ने कहा है कि मेरे पास अब खोने के लिए कुछ नहीं रहा है, और जब खोने के लिए कुछ नहीं रहा है तो आदमी सोचता है कि इस मुद्दे की तह तक जाना चाहिए। तो इस मुद्दे की तह तक जाने के लिए आह्वान किया जा रहा है कि तमाम जनता को जो इस सच की लड़ाई में इनका साथ देना चाहते हैं, और हम भी लगातार कह रहे हैं कि सच की इस लड़ाई में आप भी जुड़िए और सच का साथ दीजिए। आप देख रहे हैं कैथल से, कैथल ब्रेकिंग TV की विशेष रिपोर्ट।